पृथ्वी पर लगातार इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता जा रहा है। वजह, हम मानव। हमारी वजह से ही धरती दिन पर दिन अपने विनाश की ओर बढ़ती जा रही है। नीदरलैंड के तट पर एक कार्गो शिप में आग लग गई, जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हुए हैं। इस जहाज पर माल ले जाने वाली 3000 कारें मौजूद थीं, जो मर्सिडीज बेंज ग्रुप और बीएमडब्ल्यू एजी ग्रुप की थीं। शिप के मालिक जापान के शोई किसेन ने जानकारी दी थी कि जहाज पर सभी 21 क्रू मेंबर भारतीय थे। मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंचे जहाज लगातार आग बुझाने की कोशिश करते रहे। आग पर काबू पाने में कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि इस पर काफी सामान लदा हुआ है। आग बुझाने के लिए लगातार पानी का स्प्रे किया जा रहा है, लेकिन ज्यादा पानी से जहाज के डूबने की भी संभावना है। 199 मीटर लंबा पनामा का जहाज फर्मेंटल हाईवे जर्मनी से इजिप्ट का सफर कर रहा था, लेकिन मंगलवार रात नीदरलैंड के तट के करीब इस जहाज में आग लग गई। कार्गो शिप पर आग कैसे लगी, इसकी वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता ने बताया है कि शिप पर करीब 25 कारें इलेक्ट्रिक थीं, इन्हीं में से एक की बैटरी में दिक्कत की वजह से आग लगी हो सकती है। जहाज पर आग लगते ही क्रू मेंबर्स ने पहले खुद इसे बुझाने की कोशिश की थी, फिर रोटरडैम से आग बुझाने के स्पेशलिस्ट्स को बुलाया गया, लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। इसके बाद कई क्रू मेंबर्स फंसने के डर से पानी में कूद गए, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए बचाव नावों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल सभी घायल वर्कर्स खतरे से बाहर हैं। समुद्र में सेफ्टी मेजर्स को कंट्रोल करने वाले इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि लगातार कार्गो शिप्स पर आग लगने की घटनाओं से वो परेशान है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने वाले जहाजों के लिए नए नियम बनाने पर काम कर रहे हैं। इस आग से समुद्री दुनिया को भी नुकसान पहुंचा है।